हाय दोस्तों, इस वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिसका लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। वो लैपटॉप 5 से 10 साल पुराना हो और आप हाल ही में नया लैपटॉप लिया हो, फिर भी वो लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। दोस्तों, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपको लैपटॉप भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा, आपका लैपटॉप हार्ड डिस्क में चल रहा है तो आपको वो हार्ड डिस्क चेंज करके आपको SSD लगाना है, क्योंकि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD कई गुना फास्ट है। आप SSD लगा देंगे तो आपका सिस्टम 10 गुना फास्ट हो जाएगा। और अगर आपका लैपटॉप नया है तो आप बिना हार्ड डिस्क को चेंज करके भी कर सकते हो, और ये प्रोसेस आप डेस्कटॉप में भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए प्रोसेस को आगे करते हैं। दोस्तों, पहले लैपटॉप में जितना सारा स्क्रू है उसको पहले ओपन कर लेते हैं, उसको खोल लेते हैं। मेरा डेल का है, डेल वस्ट्रो सीरीज का है, वस्ट्रो 3000 मॉडल का है। आपका भी सेम मॉडल हो तो आप देख सकते हैं। आपका कुछ हार्डवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपका भी सेम प्रोसेस होगी खोलने का। पहले उसको लैपटॉप का बैक साइड में जितना सारा स्क्रू है उसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये फॉरवर्ड का स्क्रू है, फॉरवर्ड स्क्रू ड्राइवर दे के ओपन कीजिए। नीचे एक स्पॉन्ज दिया है जैसे सॉफ्ट कोई स्क्रैच ना हो जाए लैपटॉप में। आपके पास रहेगा तो दे दीजिए, नहीं तो नीचे में कुछ सॉफ्ट टाइप का कुछ डाल दीजिए, टॉवल जैसा, जैसे स्क्रैच ना हो जाए, क्योंकि स्क्रैच हो जाएगा तो लैपटॉप दिखने में बेकार लगेगी। आपको सारा स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। मेरा सारा स्क्रू ओपन हो गया। आपको ज़रूरत पड़ गया ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप हाथ से भी खोल सकते हैं। ऐसे थोड़ा टाइट लगेगी, हाथ से दिक्कत होगी, बट हाथ में ऐसे काट रहेगा तो हाथ से ऐसे ऐसा करके आपको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। बट मेरे पास स्टूल है, मैं तो स्टूल को यूज करूँगा क्योंकि स्टूल में और भी आसानी हो जाती है। स्टूल नहीं होगा तो ये स्टेप का टूल्स नहीं रहेगा तो फिर भी आप वो माइनस स्क्रू ड्राइवर देके भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ATM कार्ड वगैरह जो हार्ड ही होता है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। ये आसानी से ऐसे बैक अब सारा स्क्रू निकाल देंगे तो आसानी से आपको बैक साइड ओपन हो जाएगा। सर धीरे धीरे करना, आपको टूट ना जाए। टूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत में आ जाएगी, टूटेगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा चीज। तो ये होगा बैक साइड लैपटॉप की, मेरा डेल वॉस्टर है। अब ऐसे ओपन कर लीजिए, आपका कोई भी मॉडल हो, अब प्रोसेस सेम ही रहेगा। सबका स्क्रू को ओपन कर लेंगे तो आपका बैक साइड आसानी से ओपन हो जाएगा। बैक साइड ओपन करने के बाद आपको देखिए, ये हार्ड डिस्क मिलेगा। ये हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है, ये इंटरनल बैटरी है, ये CPU कूलिंग फैन है, ये है रैम, एक्सटर्नल और भी एक्स्ट्रा स्लॉट दिया है रैम का, हम ऐड कर सकते हैं। ये है मेरा SSD का स्लॉट, हम देख सकते हैं SSD लिखा है यहाँ पे। आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क टू SSD में, तो आप SSD लगा सकते हैं। अब शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप SSD लगा देंगे तो दोनों हार्ड डिस्क आप एक साथ चला सकते हैं। मतलब इस स्लॉट में हार्ड डिस्क रहेगा और यहाँ पे SSD लगा देंगे, SSD में आप OS रन करा दीजिए और हार्ड डिस्क में आप डाटा रखिए तो आपका लैपटॉप का स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा इसमें। अब SSD लगाना चाहते हैं लैपटॉप में, अपग्रेड करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं SSD लगा के, क्योंकि SSD का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है हार्ड डिस्क के मुकाबले में, आपको पता ही होगा। तो लगाना चाहते हैं, पहले देख लीजिए आपका ये वाला स्लॉट है कि नहीं। नया हर लैपटॉप में मिल जाएगा ये वाला स्लॉट, फिर भी आप चेक कर लीजिए। और आपका पुराना 5 साल 10 साल पुराना जो लैपटॉप होती है उसमें नॉर्मल M.2 नहीं मिलेगा स्लॉट, उसमें जो आपका जो साटा जो पोर्ट है उसी पोर्ट में SSD साटा मिलता है। ये हार्ड डिस्क निकाल के, जो नॉर्मल जो हार्ड डिस्क है इसको निकाल के आप SSD साटा को कनेक्ट कर दीजिए तो उसमें भी आपका स्पीड बढ़ जाएगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा। आपको लैपटॉप चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी एक प्रोसेस है। बट अब आपका ये स्लॉट है तो आप पहले चेक कर लीजिए। ये दो टाइप का स्लॉट होती है, M.2 का, एक M.2 नॉर्मल होती है और M.2 होते हैं NVMe। मेरा NVMe है, ये देखिए नॉच है, सिंगल एक नॉच है, किसी किसी में दो नॉच होती है, वो M.2 होती है। ये आप खोल के एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो आपका मॉडल नंबर देखिए आप एक बार जिस कंपनी का उस साइड में जाके वह PCB चेक कर सकते हैं। और लगाने का तरीका ये है, सिंपल कैसा है, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर रहता है, इसको ओपन कर लीजिए। मैं पहले ओपन कर लिया तो इसको ऐसे सेट कर दीजिए, रैम जैसे कनेक्टेड करना पड़ेगा। से करके हम स्क्रू कहाँ रखे हैं, यहीं पे तो स्क्रू देके इसको, सॉरी सॉरी हम गलत कर रहे हैं,
अब कोई भी हार्डवेयर चीज़ अपग्रेड करेंगे तो उसके पहले आपको बैटरी को ओपन करना पड़ेगा। बैटरी को डिस्चार्ज कर दीजिए, उससे बैटरी डिसकनेक्टेड हो गया। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये बहुत गलत प्रोसेस है, बैटरी लगा के कनेक्ट करना, बैटरी रिमूव करना चाहिए था पहले ही। इसको कनेक्ट कर दिया, बस ये सिंपली सा प्रोसेस है। SSD लग गया मेरा NVMe का, ये मैंने 128 GB का लिया, ज़्यादा दाम नहीं है ये। आप SSD परचेस करना चाहते हैं कोई भी SSD, आप किंगस्टोन नहीं तो आपको मिल जाएगा WD, ये अच्छा कंपनी है। इस कंपनी का थोड़ा पैसा ज़्यादा लेते हैं, 500-700 रुपया, बट क्वालिटी बहुत बढ़िया देता है। बस मुझे इतना 128 का किंगस्टोन का नहीं मिला, तो मुझे मजबूरी से यही लेना पड़ा। अब दोस्तों दो प्रोसेस है, अब एक तो हार्ड डिस्क टू SSD में क्लोन कर सकते हैं, आपका हार्ड डिस्क में जो है एज इट इज़ आपको SSD में शिफ्ट हो जाएगा बिना फॉर्मेट के, जो सॉफ्टवेयर हो डाटा हो जो भी हो शिफ्ट हो जाएगा SSD में। और इस क्लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, अब आपका विंडोज लाइसेंस, मतलब आपका लैपटॉप परचेस करने के साथ साथ आपको मिला था तो आपको वो लाइसेंस भी आपका SSD में शिफ्ट हो जाएगा, लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों आपका लाइसेंस का फंडा नहीं है तो अब दोस्तों सिंपली फॉर्मेट करके नया OS SSD में डाल दीजिए, इसमें आपको फ्रेश OS मिल जाएगा, इसके सिस्टम का स्पीड भी बढ़िया होगा। और दोस्तों आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों क्लोन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस हम अभी आपको दिखाएंगे। हम इसको पहले लॉक कर देते हैं सारे को, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि टूटेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। स्लो नहीं कीजिए, धीरे धीरे आराम से देख देख के कीजिए। ये बस्टो वाला तो आसानी से हो गया, कहीं कहीं मॉडल है उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बस ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हम मेरा डिस्क अब मेरा चैनल में जाएंगे तो आपको कई तरह वीडियो मिल जाएगा लैपटॉप ओपन करने की, ऐसे बहुत सारा मॉडल है। और दोस्तों एक बात, और दोस्तों आपको इसी टाइप का सिस्टम रिलेटेड वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, सिस्टम को कैसे मेंटेन करते हैं, सिस्टम का स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इसी टाइप का काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगा। इनसे आपको काफ़ी नॉलेज आपको गेन कर सकते हैं, आपको उसके बाद आप खुद ही आपको सिस्टम को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा लॉक हो गया, अब इसको ओपन करते हैं। मेरा सिस्टम अभी हार्ड डिस्क से ऑन हो रहा है, हार्ड डिस्क से ऑन करके क्लोन का प्रोसेस कंप्लीट करके हमें हार्ड डिस्क SSD में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा सिस्टम ऑन हो गया, मैं अभी आपको दिखा देते हैं, दो हार्ड डिस्क हम दिखा देंगे, उसको प्रॉपर्टीज में मैनेज में चलते हैं। एक्चुअली नॉर्मली लैपटॉप में विंडोज 10 रहेगा तो 4 GB के ऊपर ही होना चाहिए, और हार्ड डिस्क में तो बहुत स्लो, हार्ड में 4 GB होगा फिर भी चलेगा बट हार्ड डिस्क में नहीं होगा वो, तो फिर SSD लगाना पड़ेगा। इसमें हम डिस्क मैनेजमेंट में चलते हैं, ये SSD है मेरा और ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, 128 GB का है, बस 119 GB लेगा, हम यूज कर सकते हैं इसको। 119 GB का ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते, 128 GB का हार्ड डिस्क चाहिए। और मेरा हार्ड SSD है और मेरा हार्ड डिस्क 1 TB का है, तो दोनों डिटेक्ट हो गया, पर इसको शिफ्ट करना है तो हम इसको सिमेंटिक घोस्ट बोल के एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जिसको जिसके थ्रू हम इसको क्लोन करेंगे। मैं पहले से इसको डाउनलोड कर लिया था, मैं सॉफ्टवेयर कहाँ रखे हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, सो डाउनलोड में नहीं है, डॉक्यूमेंट में शायद, हाँ डॉक्यूमेंट, घोस्ट सिमेंटिक बोल के है। और इसको आप ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी टाइप का आपको ISO फाइल मिलेगा, ISO फाइल से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैं पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद आपको घोस्ट फोल्डर यहीं पर घोस्ट 32, इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा कि इसको ये अलाउ करना है। ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, वैसे सिस्टम स्लो है, थोड़ा और टाइम लग रहा है, नहीं तो थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। इसको हम, हाँ एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, आपको इसी टाइप का मैसेज देगा तो ओके करना है, वो ओके करने के बाद ये शो करेगा। पहले लोकल में क्लिक करने के बाद डिस्क टू डिस्क, आप डिस्क टू डिस्क क्लिक डिस्क में क्लिक करेंगे, या डिस्क टू डिस्क मतलब आपका हार्ड डिस्क में जितना सारा जो भी है
आपको सेम कॉपी आपको SSD में हो जाएगा, बट उतना साइज चाहिए SSD में आपको। डिस्क टू डिस्क करेंगे तो आप डिस्क टू इमेज भी कर सकते हैं, बट हम डिस्क टू डिस्क नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ सी ड्राइव चाहिए, हम पार्टीशन करेंगे। आप सिर्फ सी ड्राइव को क्लोन करना चाहते हैं तो आप सी ड्राइव कर सकते हैं, जितना जैसे एज इट इज आपका कॉपी हो जाएगा हार्ड डिस्क टू SSD। अब हम पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन टू इमेज नहीं करेंगे, हम पार्टीशन टू पार्टीशन में चलेंगे। तो इसमें पार्टीशन टू पार्टीशन सिलेक्ट करके एंटर, तो उसके आपको शो करेगा कौन सा पार्टीशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कहां से कहां, मतलब सोर्स फाइल आपको देना है। आपको मेरा सोर्स, मेरा पहले हार्ड डिस्क शो कर रहा है कौन सा हार्ड डिस्क, मेरा ऊपर वाला हार्ड डिस्क है, नीचे वाला SSD है। तो ऊपर वाला सिलेक्ट करके ओके करते हैं। इसके बाद आपको शो करेगा पार्टीशन, मैं ऑब्वियसली सी ड्राइव चूज करूँगा। आपको जिस टाइम आपको विंडोज फाइल आप भी सी ड्राइव ही चूज करिए, आपको मतलब OS को कब क्लोन करना है तो आपको सी ड्राइव ही चूज करना है। आप पहले रीनेम कर दीजिए, समझने में आसानी होगी। मेरा ऐसे OS सिलेक्ट करके एंटर। अब डिस्टिनेशन मांगेगी आपको, देखिए लिखा है सिलेक्ट लोकल डिस्टिनेशन ड्राइव, तो मेरा है NV ये वाला हार्ड डिस्क, ये मेरा SSD है। ओके प्रोसेस विथ पार्टीशन कॉपी डिस्टिनेशन विल परमानेंटली ओवरराइड, बस यहाँ पे यस करना है। और दोस्तों कभी कभार इस जगह पे आपको इसी टाइप का एरर मिल सकती है, तो आप उसी टाइम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्लोन कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखिए, अपडेट वर्जन इंस्टॉल करके देखिए, शायद हो जाए। और आपका दोस्तों अब पहले जैसे बताया था आपका लाइसेंस का फंडा नहीं हो तो आप नया फॉर्मेट करके वो इसको SSD में लगा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको सिस्टम और भी फ्रेश मिलेगा और भी स्पीड अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आपका लाइसेंस रहेगा भी तब भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आपका लाइसेंस जिस वर्सन में वो सेम वर्सन आप इसमें फॉर्मेट करके SSD में इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप विंडोज जिस ID से एक्टिव किया था तो उसी ID से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका विंडोज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्लोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लोन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगी और फॉर्मेट करेंगे तो आपको बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आपको फ्रेश मिलेगा, स्पीड भी अच्छा मिलेगा। अब आपका हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना तक था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।